बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मेरी एडोबी इलस्ट्रेटर के बेसिक्स बिगिनर्स टू एक्सपर्ट्स कोर्स की एक और वीडियो के अंदर खुश आमदीद। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने शेप टूल को और लाइन टूल को हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग कलर्स को और स्ट्रोक्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ग्रेडियंट को डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए पहले बेसिकली मैं एक शेप बना लेता हूँ। अब जो शेप मैंने बनाई है, अब इसके अंदर कलर कोई नहीं है, लेकिन ये जो आउटलाइन इस शेप की आ रही है, इस आउटलाइन को कहते हैं स्ट्रोक। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्ट्रोक को डिस्कस करते हैं, हम लोग ग्रेडियंट और कलर को बाद में डिस्कस करेंगे और स्ट्रोक कलर को भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रोक, तो अब ये स्ट्रोक कितनी, यहाँ पर हम लोगों ने मैं स्ट्रोक वेट लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन है यहाँ जहाँ पर मैं माउस क्लिक की, अभी मैंने ये माउस क्लिक किया ये स्ट्रोक वेट कि हमारा जो स्ट्रोक है उसका साइज़ क्या होगा। तो बेसिकली जैसे जैसे ये देखें कि मैं इसको क्लिक कर कर, जैसे जैसे मैं अपनी शेप को सिलेक्ट करके जिसकी नंबरिंग बढ़ा रहा हूँ, ये देख रहे हैं कि अब मेरी शेप का स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली स्ट्रोक टूल हमारी शेप की आउटलाइन होती है, जो हम लोग इस टूल के ज़रिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी। इसके बाद हम लोग, हमारी लाइन कैसी होगी, अब ये देखें कि ये यूनिफॉर्म है। अगर मैं इसको यूनिफॉर्म से इधर चेंज करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं पर जो लाइन है वो बिल्कुल बारीक हो गई है और कहीं पर ये लाइन मोटी हो गई है। तो ये जो है, अब हमारी स्ट्रोक का स्टाइल क्या होगा कि वेरिएबल विथ पॉइंट होगा, यहाँ पर लिखा हो गया बेसिकली ये हमारी स्ट्रोक का स्टाइल क्या होगा। तो इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, अगर मैं ये देखें कि जैसे जैसे मैं स्टाइल चेंज करता जा रहा हूँ, हमारे स्ट्रोक के अंदर फ़र्क आ रहा है। ये देखें कि अब यहाँ जैसे जैसे मैं इसको दोबारा यूनिफॉर्म पे कर देता हूँ, बेसिकली हमारे पास जो ज़्यादा तो यूज़ होता है वो यूनिफॉर्म ही यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास स्टाइल कैसा होगा, ये हमारे पास बेसिक स्टाइल है। अगर मैं इसको इस यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे स्ट्रोक का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा स्ट्रोक है ये ब्रशी सा लगे, तो वो मैं ये स्टाइल यूज़ करूँगा। इसके बाद अगर मैं अपने स्ट्रोक का स्टाइल और चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के ज़रिए मैं बना सकता हूँ काफ़ी कुछ। ये ब्रश स्टाइल है हमारे पास, इसके बाद और स्टाइल्स हैं, कटिंग जो हम लोगों ने कटिंग वगैरह हम लोगों ने अगर कहीं दिखानी हो, जैसे कई पेजेस पर कि कट टू एयर या बॉक्सेस पर लिखा है कट हेयर, तो वो इस स्ट्रोक स्टाइल के ज़रिए होते हैं। इसके बाद हमारे स्ट्रोक में, ये बेसिकली स्ट्रोक के ब्रशेज़ हैं। अब हम लोग यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ब्रशेज़ लेकर आ सकते हैं। मैं जाता हूँ कि यार ये मेरा जो स्ट्रोक है ये एरो वाला हो, तो ये बेसिकली ऐसे हम इस स्ट्रोक को एरो स्टाइल के अंदर ये स्ट्रोक दे सकते हैं। अब ये एरो के शेप में चेंज कर सकता हूँ काफ़ी सारे। तो ये जो है स्ट्रोक लाइब्रेरी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर जाना है, ये ब्रश लाइब्रेरी का मेन्यू है, बेसिकली ये ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ को भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रोक शेप मैं चेंज करना चाहता हूँ, स्ट्रोक में स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। देखें कि मैं कितने सारे स्टाइल्स के अंदर सिर्फ स्ट्रोक चेंज करके मैं अपनी शेप को बिल्ड कर सकता हूँ। ये देखें कि मैंने ये शेप को बिल्ड करा, अभी हमारे पास ऐसा लग रहा है कि ये 3D शेप है, लेकिन बेसिकली सिर्फ ये क्या है कि इसका स्ट्रोक चेंज है। अगर मैं आपको और दिखाता हूँ कि अभी हम लोग लाइब्रेरी पे जाकर मैं यहाँ पर बॉर्डर्स ब्रिस्टर ब्रश स्टाइल्स को देख लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इसके बाद अगर ये मैं नहीं चाहता तो मैं यहाँ पर और वेक्टर पैक को देख लूँगा, कितने सारे यहाँ पर स्ट्रोक स्टाइल्स हैं जो मुझे पसंद है, या जिस तरह की मेरी जो है फाइल की रिक्वायरमेंट है, मैं उस तरह का स्ट्रोक यहाँ पर बना सकता हूँ, वहाँ पर उस तरह की शेप यहाँ पर इस स्ट्रोक के ज़रिए बना सकता हूँ। तो ये तो हो गई स्ट्रोक्स की बात कि हम लोगों ने स्ट्रोक्स कैसे चेंज करने हैं। इसके बाद ओपेसिटी,
बेसिकली जो हमारे पास होती है इसकी ट्रांसपेरेंसी और पेसिटी हल्कापन। अब ये 100% पे, यानी कि ये मुझे बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके पीछे एक और शेप ड्रा करता हूँ और मैं उस शेप को, अभी मैं उस शेप के सामने ये जो शेप है, अब मैं अभी आपको बेसिकली दिखाता हूँ कि ये जो मेरी अब ये वाली जो शेप है, ये ब्लैक बॉर्डर मुझे इसके ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ओपेसिटी को 70 पर लेकर जाऊँगा, मुझे पीछे से ग्रीन कलर नज़र आना शुरू हो गया। मैं इसके आर पार मुझे इस शेप के नज़र आना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे मैं ओपेसिटी कम करूँगा, मुझे इसकी आर पार और ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 0 पर ओपेसिटी जब मैं करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रोक की ओपेसिटी थी। इसके बाद स्टाइल के अंदर, स्ट्रोक का स्टाइल हमारा, ये हमारी बिल्कुल शेप्स का स्टाइल है, कलर्स हैं। मैं अपने स्ट्रोक को कलर देना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ तो ओके करूँगा। मैं यहाँ पर अपने स्ट्रोक को कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं अपने स्ट्रोक का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये तो थी हम लोगों ने स्ट्रोक की बात की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कलर की। ये हमारे पास कलर का पैनल है, यहाँ पर हम लोग कोई भी कलर, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं, सिंपल कलर्स भी हैं। ये सिंपल कलर्स के बाद हमारे पास ये कुछ पैटर्न डिज़ाइन कलर्स भी हैं, पैटर्न्स भी हैं, जैसे कि ये हमारे पास 2-4 पैटर्न हैं। ये कलर या ये ग्रेडियंट कलर भी हैं, 2 कलर मिक्स करके हैं, एक कलर है और एक कलर है दूसरा। यहाँ पर यह है आर पर, हम उसका करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास शेप्स हैं, हमारे पास ब्रशेज़ हैं जिनको हम लोग कलर दे सकते हैं। तो ये स्ट्रोक्स कलर पैनल जो है, जिससे हम लोग अपनी शेप्स को कलर देते हैं। इसके बाद मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ से इस कलर को चेंज करूँगा तो देख रहे हैं कि आप ये जो शेप है ये मेरे बॉर्डर पर आ गई है और बॉर्डर वाला कलर शेप पर आ गया है। तो यहाँ से भी मैं अपने कलर को चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली मैं अगर जहाँ से चाहता हूँ कि मुझे ये कलर अपनी शेप के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो वो सिलेक्ट करके ये कलर शेप के लिए चाहिए, तो ये देखेंगे मेरी शेप को वो कलर मिल गया है। ये जो अब ये देखें कि इस तरह हम लोग अपनी शेप्स के कलर चेंज कर। इसके बाद मैं अगर 2 या 3 कलर अपनी शेप में 2 या 3 कलर मिक्स करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर जाऊँगा कि ये हमारे पास इस तरह दूसरी साइड पर हमारी राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक ग्रेडियंट पैनल है। जब मैं इस ग्रेडियंट पैनल को ओपन करूँगा तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे मेरी शेप में 2 कलर्स आ गए हैं। तो मैं यहाँ से अपनी शेप का कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे ये कलर चाहिए और इस तरह मुझे ये कलर चाहिए। इस तरह मैं ये 2 कलर मिक्स कर। अब इस पैनल में से यहाँ से भी मैं अपनी मर्ज़ी का कलर उठाकर, यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का कलर उठाकर अगर मैं यहाँ पर साइन करना चाहूँ तो वो भी मैं साइन करूँगा। तो ये इस तरह मैं अपनी शेप्स के कलर्स को। तो इसके बाद हमारे पास लीनियर और रेक्टेंगल ग्रेडियंट्स हैं, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। अब ये लीनियर ग्रेडियंट मतलब सीध के अंदर एक दूसरे के साथ मिक्स है। अगर मैं इसको रेडियल पर करता हूँ तो ये देखें कि एक बाहर की तरफ आ गया है और एक सेंटर की तरफ कलर चला गया है। तो इस तरह हम लोग ये रेडियल ग्रेडियंट। अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं रिवर्स ग्रेडियंट इफ़ेक्ट, हमारे पास ये एक है रिवर्स ग्रेडियंट इफेक्ट, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखें कि मेरा जो ग्रेडियंट की पोजीशन है वो चेंज हो गई है। मेरा ब्राउन कलर जो है बाहर की तरफ आ गया और ब्लू कलर सेंटर की तरफ चला गया है। इसके बाद जो है
ग्रेडियंट के बाद यहाँ पर हमारे पास फर्दर जो है और ज़्यादा हमारे पास ग्रेडियंट टूल इफेक्ट। अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँ तो ये हमारे पास ये सर्कल ग्रेडियंट टूल है। यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँ और यहाँ से मैं इसकी पोजीशन ग्रेडियंट की चेंज कर सकता हूँ कि जो मुझे सेंटर चाहिए वो इस जगह पर चाहिए, ग्रेडियंट मेरा इधर से स्टार्ट हो, कलर पैनल मेरा ये है। अब तो जो शेप, यानी कि मैं अपनी शेप में मिक्सिंग कलर की कैसे चेंज कर सकता हूँ वो इस ग्रेडियंट टूल के ज़रिए कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाती है कि मैंने अगर अपनी शेप के अंदर कलर की बजाय इमेज देनी हो, यानी कि ये जो कलर के ज़रिए इमेज, कलर की बजाय इमेज देनी हो, तो वो भी हम इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ से मैं इस जगह पर से ये वाली इमेज उठाकर अगर मैं इस जगह पर ले आऊँ, इंशाल्लाह हम इमेजेस के बारे में भी इस कोर्स में बात करेंगे। इसके बाद मैंने इस इमेज को करना है एम्बेड, यहाँ पर एम्बेड का ऑप्शन है, एम्बेड करूँगा तो ये इसके अंदर एम्बेड हो जाए। इसके बाद मैंने बेसिकली करना क्या है, सिर्फ मैंने ये इमेज उठानी है और उठा कर मैंने यहाँ पर इसको, ये जो स्ट्रोक पैनल है हमारे पास, एक तो स्ट्रोक पैनल हमारे पास ये है, दूसरा स्ट्रोक पैनल हमारे पास ये मौजूद है। हम यहाँ पर स्वैचिज और कलर पैनल जो है, स्वैचिज पैनल जो है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे शेप जो है ये मेरे कलर पैनल में आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे रेक्टेंगल के अंदर ये शेप का कलर हो, तो मैं बेसिकली सिर्फ इसे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि अब वो जो शेप या वो जो मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया था वो मेरे इस रेक्टेंगल के अंदर आ गया है। इस तरह आप इमेजेस को भी कलर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और टूल्स के ऊपर बात करेंगे। तो हाँ, एक चीज़ इसके अंदर रहेगी वो है ड्रॉपर टूल। ड्रॉपर टूल फर्ज करें कि अब ये जो मैंने शेप बनाई है इसका कलर है, इसको मैंने ग्रीन ये कलर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरी जो शेप हो उसमें भी ये सेम कलर हो जो इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर बेसिकली सिर्फ इस शेप को सिलेक्ट करूँगा और अपना ड्रॉपर टूल उठाकर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे जो इस बोर्ड का कलर है वो भी इस शेप के अंदर आ गया है। तो इस तरह हम एक शेप का कलर दूसरी शेप को भी दे सकते हैं बगैर, ये बेसिकली टूल उन टूल्स के लिए यूज़ होते हैं जिनके कलर इस जगह पर मौजूद नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूँ, ये ऑरेंज कलर तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर मैं ये ऑरेंज चाहता हूँ कलर तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पूरे पैनल के अंदर मौजूद नहीं है ये कलर। तो ये कलर अब मैं इस इमेज को देना चाहता हूँ। अब अगर मैं इस पैनल में दोबारा जाऊं और दोबारा जाकर मैं उस ऑरेंज स्टोर में जाकर, मुझे नहीं याद कि मैंने कौन सा कलर दिया था, तो मैं बेसिकली स्टेप क्या करूँगा कि मैं इससे अपनी शेप को सेलेक्ट कर यहाँ पर ड्रॉपर टूल के ऊपर क्लिक करूँगा तो इनके ऊपर जो कलर होगा वो सेम आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।